लास्ट वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का बेसिक थियरी इंट्रोडक्शन। उसके बाद में अब आज के वीडियो में मैं आपको एक कंपैरिजन करवाने वाला हूं कि क्या डिफरेंस है 11th और 12th के अकाउंट्स के अंदर। हमने 11th में भी अकाउंट्स पढ़ा था, बट वो अकाउंट्स होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का, और जो 12th में अकाउंट्स पढ़ने जा रहे हैं वो अकाउंट्स होते हैं पार्टनरशिप के। तो 11th के अकाउंट्स और 12th के अकाउंट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, और उसके अंदर हम दो नए अकाउंट बनाना सीखेंगे, वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो जिस किसी ने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, पहले वो देख के आइए, वो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। उसके बाद में ये सेकंड वीडियो रहेगा जहां पे हम आगे की थोड़ी डिटेल्ड पढ़ाई करने वाले हैं। साथ ही में जिस किसी को भी हमारे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स ज्वाइन करने हैं, जरूर से हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, हम आपको लाइव लेक्चर्स की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि मैंने कहा, लाइव लेक्चर धमाका है, 1999 के अंदर हम पांचों सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, ओसी, स्टैटिस्टिक्स और इंग्लिश, पांचों सब्जेक्ट्स आपके लाइव रहेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और अगर आपको नहीं पढ़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको सिर्फ नोट्स चाहिए, हमारे सारे नोट्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, www.shapers.education.com। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के साथ। सो अब हम आ रहे हैं हमारे अगले टॉपिक पे, और हमारे अगले टॉपिक का नाम है अब हम लोग सीखेंगे कि हमने 11th में क्या सिखा था, 12th में पार्टनरशिप के कारण क्या नई चीज आई है। ध्यान देना अच्छे से राजा, हमने देखा था 11th में हमने सिखा था पहला अकाउंट जिसका नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, याद है? फिर हमने सिखा था दूसरा अकाउंट जिसका नाम है पीएनएल अकाउंट, याद है? ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल अकाउंट दो अकाउंट बनाने हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखे थे। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता था? ट्रेडिंग अकाउंट इज एन अकाउंट जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के खर्चे आते थे, यानी कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते थे, राइट? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कुछ ऐसे होता था, यहां पे आता था ओपनिंग स्टॉक, यहां पे आता था क्लोजिंग स्टॉक, यहां आता था सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, यहां आता था परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, बराबर है? और लास्ट में यहां डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते थे, जैसे कि वेजेस, कैरेज इनवर्ड, वो सब। और लास्ट में यहां जो बचता था हम बोलते थे ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर बाय चांस डिफरेंस यहां आया तो हम बोलते थे ग्रॉस लॉस। इतना बराबर है? फिर ये प्रॉफिट यहां कैरी फॉरवर्ड होता था, ग्रॉस प्रॉफिट हम यहां कैरी फॉरवर्ड करते थे। फिर पीएनएल में सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस और ऑफिस की इनकम आती थी, फॉर एग्जांपल सैलरी, कमीशन, रेंट, ऑडिट फीसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस एंड ऑल, राइट? इनकम में कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ब्रोकरेज रिसीव्ड, ये सारे के सारे इनकम्स हम लोग लिखते थे पीएनएल अकाउंट के अंदर। और पीएनएल से लास्ट में जो बचता था उसे कहा जाता था नेट प्रॉफिट, अगर यहां बचा तो बोलते थे नेट लॉस। ये तो कहानी हो गई 11th की, यहां तक हमने 11th में पढ़ा था। अब 12th में दो नए अकाउंट बनाने आते हैं। पहले को कहा जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरे को कहा जाता है कैपिटल अकाउंट। पहला हो गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा हो गया कैपिटल अकाउंट। अब सुनना ध्यान से, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब जो नेट प्रॉफिट आपको पीएनएल में मिला है, वो नेट प्रॉफिट को हम आगे यहां पे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है? अब इस अकाउंट को दो तरीके से समझाया जाता है। कुछ टीचर्स, कुछ स्कूल वाले ऐसे मानते हैं कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन इज एन अकाउंट जहां पे पार्टनर्स के सारे एक्सपेंसेस डेबिट में आएंगे, पार्टनर्स की सारी इनकम क्रेडिट में आएगी, जबकि जनरली ऐसा होता नहीं है। पीएनएल अप्रो का मतलब होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, द वर्ड अप्रोप्रिएशन मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसे कहा जाता है अप्रोप्रिएशन। तो अब इसमें कैसे होगा, डेबिट में आता है पार्टनर्स को दिए जाने वाले एक्सपेंसेस, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर का कमीशन। क्रेडिट में आता है पार्टनर से लिए जाने वाले इनकम, जो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, बराबर है? फिर अगर डिफरेंस डेबिट में बचा तो हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में बचा तो हम बोलते हैं डिविजिबल लॉसेस। तो ध्यान से समझना, वापस से बता रहा हूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो आपने प्रॉफिट यहां कमाया
वो प्रॉफिट को आप किस तरीके से पार्टनर्स में बांटोगे वो हम पीएनएल अप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पीएनएल और पीएनएल अप्रोप्रिएशन में क्या फर्क है। तो फर्क नंबर एक कि पीएनएल में अंदर कंपल्सरी एक्सपेंसेस आते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो एक कंपनी को पे करना ही पड़ेगा चाहे आपने प्रॉफिट कमाया है नहीं कमाया है, जबकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर वही एक्सपेंसेस आते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट, जो प्रॉफिट पे डिपेंडेंट होते हैं, खाली वही एक्सपेंसेस पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आते हैं। दूसरा, पीएनएल अकाउंट के अंदर सारे एक्सपेंसेस जो भी आएंगे वो एक कंपनी एक पार्टनर को पे करने पड़ते हैं, प्रॉफिट डिपेंडेंट वो होते नहीं है, इसलिए पीएनएल के अंदर लॉसेस आ सकते हैं, मतलब लॉस दिखा सकते हैं, जबकि अगर लॉस होता है तो कभी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता नहीं है। अगर फर्म को लॉस हुआ तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता नहीं है। एक एक्सेप्शन है इसका, जस्ट वन एक्सेप्शन, फर्म को लॉस हुआ है मतलब हम अप्रोप्रिएशन बनाएंगे नहीं, बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना होगा तो बनाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर लॉस हुआ तो अप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, बट अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना है पार्टनर से तो अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ता है। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि पीएनएल में आने वाले सारे एक्सपेंसेस कंपल्सरी नेचर के होते हैं, भले ही फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो ये एक्सपेंसेस को पे करना ही पड़ता है, जबकि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आने वाले एक्सपेंसेस प्रॉफिट डिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पार्टनर को सैलरी कब मिलेगी, जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया। पार्टनर को कमीशन कब मिलेगा, जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब मिलेगा, जब फर्म ने प्रॉफिट कमाया। बट पार्टनर का अगर रेंट हो, अगर पार्टनर का रेंट हो या पार्टनर का लोन पे इंटरेस्ट हो तो वो कंपलसरी है, वो पीएनएल में आते हैं, वो अप्रो में नहीं आते हैं, क्योंकि पार्टनर को लोन पे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा भले प्रॉफिट हो या नहीं हो, तो वो कहां आएगा, पीएनएल में। आपने अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी यूज की है तो उस प्रॉपर्टी पे भाड़ा भरना ही पड़ेगा, तो कहां आएगा, पीएनएल में, याद रहेगा। तो एक छोटा सा डिफरेंस है, इसे कहा जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपकी टेक्स्ट बुक में एक फॉर्मेट बना रखा है पीएनएल अप्रो का, एक बार वो फॉर्मेट कॉपी करेंगे सब लोग, कम ऑन, चलिए कम टू पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है दोस्त, पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 पे आपको इसका फॉर्मेट दिया हुआ है। सो सब लोग एक बार पेज नंबर 8 पे जाएंगे अपनी टेक्स्ट बुक में और उस पे से एक बार वो फॉर्मेट कॉपी करेंगे। चलिए